तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीलुकअप में लिस्टिंग और जो लास्ट क्लासेस में हमने जो होमवर्क दिए थे उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक डेटा है और डेटा में हम नेम के हिसाब से कुछ डेटा को लुकअप करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमने जो नेम लगाया, इसे हमने लगाया पूजा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ रिपीटेड है। तो हमने आपको बताया था कि हमने एक कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लिया, काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2 हमने किया और पहले वाले B2 को हमने फ्रीज कर दिया। इससे क्या होगा, हर किसी का सीक्वेंस आ जाएगा। इस कविता पहली कविता पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके अंदर में हमने यहाँ पे एन परसेंट का सिंबल लगाया और इसके साथ इसका नाम को हमने मर्ज कर दिया। अब इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो 1, 2, 3 इस तरह से आ गया। और यहाँ भी हमने सीक्वेंस बनाने के लिए इफ यहाँ पे पहले तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। काउंट इफ हमने इसमें कविता को काउंट किया कि कविता या पूजा जो भी नाम है कितना बार है, 19 बार है। हम यहाँ पे करेंगे कि इफ ऊपर वाले में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 19 है तो ब्लैंक अदरवाइज ऊपर में +1 कर दे। और नीचे ड्रैग करते समय दो चीजें करनी होगी, एक तो मुझे यहाँ इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि एरर ना आए, और दूसरा हमें एल वाले कॉलम जो है उसको फ्रीज करना पड़ेगा, L3 को फ्रीज करना पड़ेगा क्यों फिक्स है। फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते, तो नीचे ड्रैग कर दिया। और हमने बताया था कि हम वी लुकअप भी इसी तरह से लगाएंगे, इसको लेंगे एन परसेंट डैश अगेन एन परसेंट नेम और फिर हम वी लुकअप लगाते हैं। कॉलम नंबर के लिए हमने मैच लगाया था, राइट सर, मैच, और इस पूरे में हमने ढूंढा था कॉमा 0 और कॉमा 0। इसमें दिक्कत हो सकती थी यहाँ पे, तो हमने इफ एरर ले लिया। सर मैथ में K5 के लिए आपने के क्या थ्री नहीं लेना था हमने? अच्छा नहीं, ये लेना है ना, हेडिंग लेना है ना। मैं K3 तो नेम हो गया ना, तो मैं वी लुक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो इसको आगे फ्रीज करना है तो J क्या A का डॉलर साइन लगा दिया, हमने K3 को फ्रीज कर दिया, AG को फ्रीज किया, इसका 5 फ्रीज किया और इसको फ्रीज किया और फिर आगे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया और नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग कर दिया। बट हाँ, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें इसके नीचे टोटल ऐड करना है। अब मैं एक नाम यहां पे लिखता हूं, एक यूनिक नेम, मनीष, और यहां पे मैं मनीष का देता हूं, मनीष। तो मनीष एक ही बार आया हुआ है क्योंकि इसका एक ही है, इसलिए एक बार आया हुआ है। तो मेरा टोटल मुझे यहां नहीं यहां चाहिए, राइट, क्लियर है। तो यहां पे क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ मेरे इस ऊपर वाले ने इसके ऊपर वाला, अगर ये ब्लैंक नहीं छोड़ते तो इसी को लीजिए, हमने बोले ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है दिस नंबर तो यहां पे टोटल आ जाना चाहिए। सिंपल है सर, समझे। बाकी जो चल रहा है वो चले, और यहां हमने जो J6 है हमारा वो तो रहेगा, L3 को मैं फ्रीज कर देता हूं और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब मैं यहां पे नाम देता हूं पूजा,
में। उषा जी, यस सर, मनी जी, सॉरी सुधीर जी, समझ में आया? फिर हम यहां जहां पे सम करना है वहां पे हम यहां कंडीशन देंगे कि इफ ए जो वैल्यू है, अगर ए इक्वल टू टोटल है, अगर टाइटल जो है मतलब कि सीरियल नंबर के जगह पे टोटल है, तो यहां पे सम हो, और सम में मैं जो है सिर्फ ओ सिक्स से ओ सिक्स लूंगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहां पे दो बार ओ सिक्स हो गया, हाँ ओ सिक्स से ओ सिक्स लूंगा और पहले वाले ओ सिक्स को फ्रीज कर दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके यस कीजिए, आगे 53 और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं यहां पे देता हूं पूजा, क्या सर ओम नहीं है तो नहीं आया, टीना, क्लियर है सर? अब दूसरी चीज यहां पर यह है कि मैं चाहता हूं कि जितना एरिया में डेटा है उतने एरिया में ही हमारा बॉर्डर लगे, उसके अलावा कहीं बॉर्डर ना लगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया, और मैंने बोला कि दैट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और जे फाइव को हमने यहां से हटा दिया, इसको भी डॉलर साइन हटा दिया, एंड फॉर्मेट सेल में आया, इसमें कोई कलर वलर सेलेक्ट नहीं करना है, बॉर्डर पे जाना है और हमें यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट, या डॉट लाइन चाहिए तो डॉट लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर से जितना आपका डेटा है उतना आप नीचे पेंट कर लीजिए, समझे? तो मनीष जी, चलिए मनीष जी दिखा बोल रहा, सुधीर जी एंड उषा जी, क्लियर हुआ ये? सर कंडीशन फॉर्मेटिंग का बताना एक बार, कंडीशन फॉर्मेटिंग। सिंपल है सर, कर्सर रखा और मैंने सिंपल बोला कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। आपको उषा जी हाँ जी सर, समझ में आया? हाँ जी सर, अब चलिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने लुकअप रेफरेंसेस में आते हैं, हमने बाकी फॉर्मूले कर लिया, फिल्टर वैल्यू पे कर लिया, फिल्टर भी बता दिया था मैंने आपको, इंडेक्स, लुकअप, रो, अरे हाइपरलिंक वगैरह छूट गया हमारा जो कोर्स में क्या था, हाइपरलिंक क्या? वगैरह, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। हाँ हाइपरलिंक मैं बता देता हूँ, हाइपरलिंक का क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट, ठीक है? अब इसके ऊपर हाइपरलिंक लग गई ना सर, एंटर प्रेस करते ही क्या यार पाथ अपने आप ले लिया, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ गूगल लिखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहीं पे क्लिक हेयर का एक बटन बने, उस पर क्लिक करूं और हाइपरलिंक बन जाए। तो उसके लिए यहां हमारे पास हाइपरलिंक का फॉर्मूला होता है, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इन, यहां सॉरी पहले था लिंक लोकेशन, तो लिंक लोकेशन हमने डाल दिया या कहीं से ले लिया और यहां पे डाल दीजिए क्लिक हेयर, सर इसे क्या होगा, क्लिक हियर पे क्लिक किया तो गूगल खुल जाएगी,
आपके जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके थ्रू गूगल खुल जाएगा। देखिए खुल गया, समझे? शीटों को भी तो लिंक कर देते हैं इससे, फाइलें शीट जी हाँ सब लिंक कर सकते हैं, बस पाथ आप जो डालिए और लिंक कीजिए। गुड आउट सर, नो सर। तो इसमें जो है बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है? तो लुकअप प्रेफरेंसेस का फॉर्मूला यहां पे हमारा खत्म होता है, और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हमने किया था, बट आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट करके अभी तक भेजा नहीं है, आप लोगों की तरफ से इनपुट नहीं आता है, एक छोटी सी दिक्कत है सर।